चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, रीड कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पार्टिकल है हैविंग चार्ज क्यू इंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बी डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर इनसाइड है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड, करेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है इधर है इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? इनवर्ड है। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन इनवर्ड है और इज डिफ्लेक्टेड अ डिस्टेंस एक्स आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस वाई। ये वाई डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो एक्स जो है वो डिस्प्लेस होता है इस डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम पार्टिकल, ठीक है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं पहले, सबसे पहले फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसके अकॉर्डिंग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर तो हमको फोर फिंगर को इनवर्ड तो करना है। चार्ज पार्टिकल ये है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इधर वेलोसिटी है इसकी, तो अभी सी बात है फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ फोर्स किधर लगेगा? ये डायरेक्शन होगी फोर्स की, मैग्नेटिक फोर्स की, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्यू क्या होती है? क्यू वी बी, साइन थीटा होता है, लेकिन साइन थीटा में यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, तो कितना एंगल है दोनों के बीच में? 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो सेंट्रिपिटल फोर्स अगर के ये इक्वल होगा तो सेंट्रिपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू क्यू वी बी, करेक्ट है। वी से वी कट जाएगा, एम वी बाई आर, आर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू क्यू बी इंटू आर, ये होगा। ये लीनियर मोमेंटम की वैल्यू है, करेक्ट है। अब इसमें आर की रेडियस कितना होगा? तो एज्यूम करते हैं कि ये जो रेडियस है इसका, एज्यूम करो कि ये स्ट्रेट नहीं बन रहा है, मैं थोड़ा सा स्ट्रेट बनाने की कोशिश करता हूँ, स्केल से कोशिश करता हूँ स्ट्रेट बनाने की। चलो घुमाते हैं इसको, स्केल को स्ट्रेट बनाने के लिए, ठीक है। ये स्केल से मैंने रेडियस बना लिया, मान लो ये रेडियस हो गया, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और तिरछा घुमा देते हैं, ठीक है। सर्कल का सेंटर O है और ये डिस्टेंस Y है, तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, ये थोड़ा सीधा तो नहीं बन रहा है लेकिन फिर भी जितना भी बन रहा है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये Y हो गया, यहाँ से ये डिस्टेंस X हो गया, ये डिस्टेंस X हो गया, ठीक है। और ये रेडियस R है, तो ये कितना होगा? R माइनस X, R माइनस X होगा, R माइनस X ये हो गया, ये डिस्टेंस होगी R माइनस X, करेक्ट है। फिगर थोड़ा सा वो हो गया, ठीक है। और यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम इस पर लगा दें, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना हो गया? रेडियस, ये हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है ना, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस हो गया वाई, वाई का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना हुआ? आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, आर माइनस एक्स हो गया, आर माइनस एक्स का। अब यहाँ से फॉर्मूला लगाते हैं, वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू आर एक्स, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, इस टू आर एक्स को जलाओ, टू आर एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में करते हैं इसको, टू एक्स को उधर भेज दो, तो वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स, सो आर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई टू एक्स प्लस एक्स एक्स बाई टू, ये होगा आर की वैल्यू। ये आर की वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पर इस जगह पे, इस आर की वैल्यू को रख दो, तो क्या हो जाएगा? तो लीनियर मोमेंटम पी इज इक्वल टू क्यू बी इंटू आर की वैल्यू वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स प्लस एक्स अपॉन टू, ये हो गया। ये कौन सा ऑप्शन है भाई? ये वाला ऑप्शन है, डी वाला, ये जो छुप गया, हाइड हो गया फिगर में के पीछे, Q
क्यू बी बाई टू, टू कॉमन ले लो, टू बी है ना, टू अगर कॉमन ले लोगे बाहर ले लोगे तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस एक्स आ जाएगा। देखो सही है ना, वही चीज थी ना। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।